के साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव में सीएम योगी एक बार फिर से उनकी डिमांड की जा रही है। यूपी के अलावा दूसरे राज्य में भी सीएम योगी के रोड शो की लगातार मांग की जा रही है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी लोकप्रिय हो चुके हैं। राजस्थान, एमपी, गुजरात, महार में करेंगे वो जनसभा। तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली रोड शो का मांग किया गया है। चुनावी रैली जनसभा का प्रस्तावित कैलेंडर बीजेपी तैयार कर रही है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की भारी मांग की जा रही है, लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही है। और अब आपको लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में वो जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, देखिए लगातार सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, दूसरे राज्यों में भी उनकी मांग की जा रही है। देखिए बिल्कुल नंदिनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से उन्होंने कई तरीके के ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर बाबा का टैग लगा था, वहीं पर उन्होंने किस तरीके से विरोधियों को किस तरीके से जवाब देने का काम किया, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से लोग लखनऊ में रहकर यहां पर कई तरीके की घटनाओं को अंजाम देने थे, उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखाने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए लोकप्रियता का सभी को पता है, वो चाहे विधानसभा चुनाव की बात करी जाए और अब लोकसभा चुनाव की बात करी जाए। ये माना जा रहा है कि तमाम राज्यों के शीर्ष नेतृत्व से मांग की गई है कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो जरूर कराया जाए। उन सभी का कहना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने से हमको मदद मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए बोलने की जो शैली है, वो हालांकि उनके विरोधियों को ना पसंद आती हो, लेकिन लोगों को वो जरूर पसंद आती है। जब वो कहते हैं कि जो जैसा है उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, वो चाहे नाम बदलने को लेकर हो, चाहे तमाम चीजों को लेकर हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखर रहते हैं। अब ये चर्चा है कि पहली लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, वहां के राज्यों के जो शीर्ष लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर रैली कराई जाए, यहाँ पर रोड शो कराया जाए, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड हो। यानी उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं, तमाम राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उतनी ही लोकप्रियता है। और देखिए इसका अंदाजा नंदिनी लगाया जा रहा है कि तमाम राज्यों से, क्योंकि देखिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तमाम सरकारें रही, तमाम मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो योगी आदित्यनाथ ने देखिए काम किए हैं ऐतिहासिक है। कई बार देखिए आलोचनाओं का सामना भी इनको करना पड़ा, चाहे CA NRC के दौरान जब इन्होंने होर्डिंग लगवाई थी उपद्रवियों की, दंगों जिन्होंने दंगे किए थे, कई तरीके की आलोचना की, लेकिन इनका कहना ये था जब इन्होंने लखनऊ को नुकसान पहुंचाया है तो इनकी फोटो को भी लगाया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो इनको जेल भी पहुंचाया जाएगा। और आज देखिए उसी का ये नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड के रूप में बन चुके हैं, और आज बाहर राज्य नहीं बल्कि विदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की सराहना होती है। और देखिए तमाम जगहों पर तो विपक्ष के लोग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज से मुरीद हैं। वो चाहे देखिए अभी हाल ही में सभी ने देखा समाजवादी पार्टी के जब कुछ विधायकों ने पार्टी से हटकर वोटिंग करी तो वो सभी सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे। ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हर लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली कराई जाएगी, एक बड़ा रोड शो कराया जाएगा। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के भी तमाम तरीके के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इसका एक पूरा कैलेंडर तैयार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में कहां पर रहेंगे और अन्य दिनों पर कहां रहेंगे। लेकिन हाँ देखिए, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं मान रही है, कोई टक्कर नहीं मान रही है। NDA के सहयोग से देखिए 400 पार की सीटों का देखिए वो दावा किया जा रहा है, और इस दावे को देखिए खुद उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, उनका कहना यह है कि 400 के पार आप गिनते जाइएगा कितनी सीटें आनी है, क्योंकि विरोधियों में जिस तरीके से देखिए भगदड़ मची है। आप कांग्रेस को देखिए, रायबरेली पर अभी तक कोई प्रत्याशी तय नहीं कर पाई, जबकि उसको वो अपना घर मानती है।
राहुल गांधी कहा जा रहा था अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, वो वायनाड पहुंच गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के आगे देखिए कोई भी विरोधी विपक्ष टिक नहीं पा रहा है। इसी का ये नतीजा है कि दूसरे राज्य के लोग भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो, जिसका फायदा देखिए वहां के प्रत्याशी को भी मिले। इसीलिए सीएम योगी की लगातार मांग करी जा रही है और शीर्ष नेतृत्व का कहना भी ये है कि हम किसी को निराश नहीं करेंगे, जहां पर भी उनके पहुंचने की संभावनाएं होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप संदीप हमारे साथ।